अजय देवगन की सुपरहिट सीरीज दृश्यम साउथ की सुपरहिट फिल्म दृश्यम का रिमेक थी। सभी जानते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचा चुकी। अब अजय देवगन फिर से एक बार साउथ की रिमेक लेकर आए जिसका नाम है भोला, जो कि कहती फिल्म का ऑफिशियल रिमेक है। मगर इस बार अजय देवगन ने ना सिर्फ एक्टर का रोल निभाया बल्कि एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इन तीनों किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया। दृश्यम में जहाँ अजय देवगन ने अपने फैमिली मैन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से निभाया था, वही इस बार वो भोला मूवी में बहुत ही हाई ऑक्टेट सीन करते हुए हमें नजर आ रहे। कहानी की शुरुआत धमाकेदार एक्शन से होती है, जहाँ पर एसीपी डायना कोकीन से लदे हुए ट्रक का पीछा करती। अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए वो गोली खाने के बावजूद भी हजार करोड़ों के कोकीन जब्त कर लेती और उसे लालगंज के पुलिस थाने में छुपा देती। डायना का बॉस किरण कुमार उसे सलाह देता है कि जब तक अदालत का माल कस्टडी नहीं लेती तब तक ये जानकारी गुप्त रहनी चाहिए। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान है कि उन्हीं की फोर्स में मौजूद एक भेदिया सारी इन्फॉर्मेशन माफिया को देता है। अश्वत्थामा और उसका भाई ये सारे माफिया के डॉन कहलाते। डायना और उसकी टीम को साजिश का शिकार बनाया जाता है। उन्हें शराब में नशा देकर बेहोश किया जाता है। सभी पुलिस वाले की जान खतरे में होती मगर डायना बच जाती क्योंकि वो शराब नहीं पीती। डायना के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बेहोश कर्मचारियों को हॉस्पिटल लेके उनका इलाज कराने और साथ ही उसे अपने थाने भी पहुंचना ताकि माफिया उस माल पर सेंध न लगा सके। इस काम के लिए वो भोला से मदद मांगते। असल में भोला को 10 साल के बाद जेल से रिहाई मिलती है। जेल में रहकर भोला को ये पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी जो कि लखनऊ के एक अनाथालय में रहती है। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेताब होता है। किस तरह से अपनी बेटी को मिलने वाला भोला डायना की मुसीबत में पड़ता है, इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और दूसरी जगह लालगंज के पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी संजय मिश्रा पर आ जाती और तीन युवाओं पर आ जाती। भोला डायना की मदद करेगा या बेटी से मिलने जाएगा? क्या वो दोनों पुलिस वाले की जान बचा पाएंगे? क्या अश्वत्थामा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी खबरी के मदद से माल ले जा पाएगा? इन सभी सवाल के जवाब आपको मूवी देखने के बाद ही मिलेंगे। डायरेक्टर के रूप में अजय देवगन पहले ही सीन से धुआंधार एक्शन से दृश्यों का फील एकदम हाई कर देते। कहानी एक रात की है। इसके एक्शन की खासियत ये है कि रॉ होने के बाद भी ये बहुत ही फ्रेश लगता है। फिल्म में एक 5-7 मिनट का एक चेसिंग सीक्वेंस भी जो अपने रोंगटे खड़े कर देता है, लेकिन कहीं पर हमें इमोशन की कमतरता भा जाती है। इसकी ओरिजिनल फिल्म कहती में एक्शन के साथ इमोशन का भी दुहादार कॉम्बिनेशन था, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। एक्शन से भरपूर फिल्मों में मार धाड़ का तर्क लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल। कैसे एक अकेला हीरो 3-4 लोगों को मारकर धुआंधार हीरो बन जाता है? लेकिन जिस तरह से भोला मूवी में एक्शन को कोरियोग्राफ किया है वो फिल्मी लवर के लिए बहुत ही बड़ी बात। भोला के किरदार को मकरंद देशपांडे की आवाज में महिमा मंडित किया है, जिससे पर्दे पर उसे लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। भोला के फ्लैशबैक में कुछ सवालों के जवाब बाकी रह जाते, लेकिन एक रात की कहानी को फिल्म की सिनेमाटोग्राफी के जरिए बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया। कैमरा एंगल में भी उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई क्लोजअप शॉट्स को और कई एक्शन सीक्वेंस को स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया। खासकर गंगा आरती के वक्त पूरे बनारस को ड्रोन शॉट में दिखाना और ट्रक में एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ही कमाल के बन पड़े। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कहती मूवी एक लोकी यूनिवर्स का पार्ट है। जैसे इंटरनेट में इस बात की चर्चा थी कि अजय देवगन अपनी भोला मूवी का यूनिवर्स बना सकते हैं, वैसे आपको क्लाइमेक्स में कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा जिससे आपको ये पता चल सकता है कि भोला मूवी का भी फ्यूचर में एक यूनिवर्स आ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।